दोस्तों एक बार फिर से किचन में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सी टिप्स और ट्रिप्स लेके आए हैं आपका काम आसान करने के लिए। चाहे आपका कभी कभी हाथ जल जाए या फिर आपके घर के सिंक बर्तन या फिर छन्नियां गंदी हो गई हो, ढेर सारे ऐसे टिप्स बताएंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। दोस्तों कभी कभी हमारी चाय वाली जाली में गंद फंसा होता है, काली काली सी हो जाती है, आपको क्या करना है उसको गैस पे ऐसे ऑन करके डायरेक्ट रख देना है, सारा का सारा गंद मेल्ट होता नजर आएगा। मैं अभी दिखाता हूं दोस्तों, देखिए कैसे गंद मेल्ट हो रहा है। दोस्तों अब हमें क्या करना है, पहले तो इस गंद को रिंस कर ले पानी से, और उसके बाद ले ले एक टूथब्रश और उस पे लगा ले थोड़ा सा टूथपेस्ट, उसके बाद अच्छे से इसे रब करें, विद इन अ मिनट इसको धोएं। दोस्तों एकदम साफ सुथरा हमारा गंद छन जाएगा और जाली एकदम साफ सुथरी हो जाएगी, चाय पत्ती कुछ भी फंसा हुआ इसमें होगा वो नहीं रहेगा। दिखाता हूं दोस्तों धोने के बाद कितना अच्छा फर्क आया। फिलहाल के लिए ये अभी गीली है इसलिए मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, सूखने के बाद दोबारा से दिखाता हूँ, एकदम साफ सुथरी और स्वच्छ हो चुकी है दोस्तों ये जाली। अगली टिप पे चले दोस्त, कभी कभी घर में काम करते समय हाथ जल जाता है, आपके पास हो अगर कोलगेट वाइट बेस वाला तो थोड़ा सा कोलगेट लगा लें, ये इंस्टेंट रिएक्ट करता है और उसको पकाने में मदद करता है ताकि ये घाव हमारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जब ये घाव हमारा ठीक हो जाए तो इसको पूरी तरीके से रिपेयर करने के लिए आप कोकोनट यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, आलू का पानी भी यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट की जगह, लेकिन टूथपेस्ट का रिएक्शन थोड़ा सा जल्दा है, लेकिन बाद में पूरे घाव को भरने के लिए कोकोनट ऑयल सबसे बेहतरीन है। दोस्तों अगर हम ले आए घर में ताज़ा जिंजर यानी कि अदरक, उसको ऐसे चम्मच की मदद से आसानी से छील लें। चम्मच की मदद से जिंजर को ऐसे छीलना बेहद ही आसान होता है, एक बार छील लें और हमेशा के लिए रखना है तो इसको उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। मैंने अच्छे से चम्मच की मदद से देखिए दोस्तों दोनों तरफ से कितने अच्छे से छील ली है, ये बहुत ही आसान सा नुस्खा है और आपका टाइम समय सब बचाएगा अच्छे से, और आप इसको एक ही बार में छील के स्टोर करके रख सकते हैं टिश्यू के अंदर एयर टाइट बॉक्स में। दोस्तों कभी कभी हमारे घर में दूध का पैकेट आता है लेकिन हमें लगता है कि हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन क्या करें इसकी एक्सपायरी डेट तो पास ही है। दोस्तों ऐसी सूरतों में आप फ्रीज़र में उसको फ्रीज करके रख दें, जब आपको यूज़ करना है एक दो दिन बाद भी यूज़ करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों घर में प्लास्टिक की बॉटल ऐसी सबके घर में होती है कोल्ड ड्रिंक्स की, आप अपने चाकू को कर लीजिए गर्म और उससे इसके नीचे बेस पे कर लीजिए छेद। दोस्तों ये बहुत सारी जगह काम आने वाला है, घर की छन्नी बन गई आपकी, इंस्टेंट छन्नी है दोस्तों, छेद कर लिए घर में गरम चाकू से, बीच में कर लिए, साइड में कर लिए, और कुछ भी फ्रूट धोना है, कोई भी चीज़ धोनी है, कुछ भी छानना है, पोहे धोने हैं, सब आसानी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों चले गए हमारे जामुन, इसको पानी डाल के धोता हूँ, देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हमारे काम करेगा दोस्तों, और उसके बाद आपको इंस्टेंट चीज़ धुली हुई मिल जाएगी, है ना रामबाण। प्लास्टिक की कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लीजिए और उसमें ऐसे कर लीजिए छेद, और ऐसे डायरेक्ट नलके के नीचे नहीं धोना तो कई वैसल नीचे रख के भी धो सकते हैं, आसानी से धुल जाएगा दोस्तों। अगली टिप पे चलें दोस्तों हम, अगर तो हमारे घर में अक्सर दूध आता है लेकिन हम उसके पैकेट को साफ़ नहीं करते, हमें क्या करना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और अपने दूध के पैकेट को उसके बाद अच्छे से धो लीजिए। बाहर से पता नहीं किस किस के हाथ लग के ये पैकेट आता है और इस महामारी के टाइम हमारे सारे पैकेट्स और सारी घर पे आने वाली चीज़ें एकदम साफ सुथरी स्वच्छ होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों खासकर दूध या अन्य कोई भी ऐसे पैकेट्स हैं उसे बेकिंग सोडा में धो लें। बेकिंग सोडा में साबुन वाले सारे तत्व होते हैं और साबुन भी नहीं होता तो अंदर भी जाता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडा तो हम खाने में ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ आप धोएं तो बेकिंग सोडा में ऐसे धो सकते हैं। दोस्तों अगली टिप पर चलते हैं, आपको बता देता हूँ हमारे घर में मूंगफलियाँ आती हैं और मूंगफलियाँ हमें कई दिनों तक स्टोर करनी पड़ती हैं, तो दोस्तों मूंगफलियों को स्टोर करने के लिए मेरे पास आज एक रामबाण है, मूंगफलियों के पैकेट से निकाल लीजिए उसे एक डब्बी में और इसमें हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। दोस्तों मॉइस्चर आ जाता है हम यूज़ नहीं कर पाते, हमें क्या करना है हल्का सा पानी छिड़क के ना इसे भूनने रखना है, 2-3 मिनट भूनना है और तब तक भूनना है जो इसकी चमड़ी है जो खाल है वो लटकी लटकी से एकदम टाइट हो जाए। अब क्या होगा इसका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और इसको आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर भी रख सकते हो और ये मॉइस्चर भी नहीं पकड़ेगी, यानी कि ना ये सीलेंगी ना ये मॉइस्चर पकड़ेंगी। और अगर आपको इसका छिलका उतारना है तो आसानी से आप इसका छिलका उतार के सॉल्टी पीनट्स भी बना सकते हैं घर में नमक में भून के बाद में, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है अपने पोहे में अपने उपमा में तो आप किसी भी तरीके से इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक ये सीलती नहीं है और आसानी से छिलका भी देखिए दोस्तों उतर गया है। तो दोस्तों ऐसे आप मूंगफलियों को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अगली टिप पे चलते हैं दोस्तों, जिसके लिए आप अब तक बने हुए थे, आप सभी के घरों में सिंक गंदे हो जाते हैं दोस्तों, देखो कितने गंदे हो गए। घर में हार्पिक सभी के होता है, पहले एक लेयर हार्पिक से लगा के घर में जो भी बर्तनों का स्क्रबर होता है या ख़राब हो गया है वो स्क्रबर, उस खराब स्क्रबर को ले लीजिए बर्तन को या फिर किसी भी कपड़े को ले लीजिए, डायरेक्ट हार्पिक को हाथ ना लगाएं,
उस कपड़े को लेके या फिर घर में गंदा हुआ हुआ स्क्रबर ले ले बर्तनों का और उससे अच्छे से इस सिंक को रब कर लें। दोस्तों आपका सिंक पूरा साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन इसमें दो तीन चीज और करनी होगी हार्पिक स्क्रबिंग के बाद। दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा, नींबू और विनेगर भी ऐड करना होगा, तभी ये एकदम जर्म फ्री हो पाएगा, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बर्तनों में जर्म्स बहुत जाते हैं और ये कभी कभी गंदा भी हो जाता है। तो दोस्तों हम इनके नलकों को भी अच्छे से साफ करेंगे इसी तरीके से हार्पिक थोड़ा सा लगा के, और उसके बाद बेकिंग सोडा पूरे सिंक पे हमने स्प्रिंकल कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद दोस्तों हमने ले लेना है कटा हुआ नींबू और वो पूरे पे रब करना है अच्छे से। दोस्तों एक एक जर्म आपके सिंक में ख़त्म हो जाएगा, बहुत अच्छा रिएक्शन होगा, अच्छे से सब साफ सुथरा हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसमें डालूंगा विनेगर, और विनेगर एकदम इंस्टेंट रिएक्ट करता है, एकदम से झाग बनेगी, और उसके बाद दोस्तों इसे साफ पानी से और उसके बाद कपड़ा मार के साफ कर लें, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। दोस्तों अगली टिप पे चलें। दोस्तों धनिया सबके घर पे आता है, लेकिन ऐसे नहीं धोना इसे। आपको क्या करना है, एक बॉल लेना है, उसमें नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालना है और उसको ऐसे भिगाना है, सारी मिट्टी निकल जाएगी। देखिए दोस्तों कितनी मिट्टी होती है, सारी शरीर में जाती है अगर अच्छे से ना धुले तो। ध्यान रखें कभी कभी दोस्तों हमारे बर्तन में नीचे दूध गर्म करने के बाद वो चिपक जाता है, थोड़ा सा देसी घी लें, स्प्रिंकल कर लें और बाकी बचा हुआ देसी घी वापस बाहर निकाल लें और फिर दूध डाल लें, कभी भी आपका दूध नीचे नहीं चिपकेगा और ऊपर मलाई भी मोटी आएगी।